नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा सा पाठ नौ चिड़िया के बच्चे के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पृष्ठ संख्या 70 और 71 को। ठीक है, तो 71 70 को देख लेना। जो पहला पैराग्राफ में आप देख सकते हैं, माधव दास ने कहा, बोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, बाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। माधव दास, तुम बोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधव दास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधव दास, चिड़िया तू निरी अनजान है, मुझे कुछ करेगी तो मुझे तुझे मालामाल कर सकता हूँ। चिड़िया की बात सुनने के बाद माधव दास ने कहा, बोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो। माधव दास चिड़िया से पूछ रहा है, चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, क्या तुम मुझे नहीं जानती हो। तब चिड़िया कहती है, मैं माँ को जानती हूँ। सब बच्चे ऐसे हैं ना, माँ को जानते हैं। मैं बाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ। किन किन को वो जानती है चिड़िया? माँ को जानती है, बाई को जानती है, सूरज और उसकी धूप को जानती है, मगर ये जो माधव दास कौन है वो नहीं जानती है। घास पानी और फूलों को जानती हूँ, घास क्या है जानती है, पानी क्या है जानती है, फूल क्या है जानती है वो। चिड़िया, महामान्य तुम कौन हो। महामान्य का अर्थ यह है महान व्यक्ति। माधव दास को देखकर वो चिड़िया कहती है, महान व्यक्ति तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। मैं सब कुछ जानती हूँ मगर आपको मैं नहीं जानती हूँ। माधवदा, तुम बोली हो चिड़िया, तुम बहुत ही बोली बाल, तुम मुग्ध हो, तुम कुछ भी नहीं जानती हो, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। तुम नहीं जानते हो ना, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगी। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास। माधवदास अपना परिचय दे रहा है उस चिड़िया को, मैं सेठ माधवदास हूँ, मेरे पास क्या नहीं है, मतलब क्या नहीं, आश्चर्यसूचक, मतलब सब कुछ उसके पास है, अमीर आदमी है। जो मांगो मैं वही, तुम जो भी मांगोगे मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ, ऐसे माधवदास चिड़िया से कह रहा है। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, मेरे जो जीव जो है बहुत ही छोटा है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए ना। मैं तो बहुत ही छोटा जीव हूँ, मेरे कुछ भी नहीं चाहिए, आपके पास सब कुछ है, मुझे छोड़ देना, ऐसे चिड़िया कह रही है। माधवदा, चिड़िया तू मेरी अनजान है, मुझे कुछ करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। तुम तो दिखने के लिए अनजान सा दिखाई दे रहे हो, मुझे कुछ करेगी तो माला माल कर सक, मतलब तुम्हें बहुत ही अमीर या खुशी से मैं रख सकता हूँ, मैं खुश रखूंगी रखूंगा, ऐसे कौन कह रहा है, माधव दास। तो चिड़िया कहती है, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी,
माँ मुझे बहुत प्यार करती है। वो मेरी राह देखती होगी, मैं माला माल होकर क्या होऊंगी? मैं नहीं जानती। माल माल किसे कहते हैं? क्या मुझे वो तुम्हारा माला माल होना चाहिए? मतलब ये चिड़िया माधवदास से पूछ रही है, तुम सेठ हो? माधवदास को ही प्रश्न, तुम सेठ हो? मैं नहीं जानती। सेठ क्या होता है? मतलब वो बहुत ही मुग्ध बोली वाली बातें हैं ना, बच्चों को तो ये सब मालूम नहीं रह जाते है ना, सेठ क्या है, अमीर क्या है, ये सभी। पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, वो तो न जानती है चिड़िया, इसलिए वो माधवदास से कह रही है, सेठ जो है वो बहुत ही बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझदारी, मैं तो वो नहीं समझ सकती हूँ। मैं सेठ क्या है, वो क्या है, ये क्या है, वो बड़ी बात क्या है, ये सभी मैं नहीं जानती हूँ, न समझ है। माँ मुझे बहुत प्यार करते, उसको एक ही पता है माँ की प्यार है ना, वो बता रहे हैं माँ मुझे बहुत प्यार करती है। वो मेरी राह देखती होगी, उसको यही चिंता है, माँ मेरी इंतज़ार कर रही होगी। मैं माला माल होकर क्या होऊंगी? अगर तुम मुझे अमीर बनाना चाहते हो ना, मैं अमीर बनकर क्या होना चाहती हूँ? मैं नहीं जानती, ये सब मैं नहीं जानती हूँ। अमीर बनकर मैं क्या बनूंगी, ये सब मैं मुझे तो मालूम नहीं। मुझे तो यही प्यार यही पता है कि माँ मुझे बहुत प्यार करती है और माँ मेरे रास्ते को देख रही होगी। माला माल किसे कहते हैं? क्या मुझे वो तुम्हारा माला माल होना चाहिए? ये सभी प्रश्न कौन कर रही है? चिड़िया माधवदास से। सेठ तो माधवदास कह रहा है, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती? सोना, उसी की जगत को तृष्णा है, वो सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, तू उसके भीतर तिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। से कह रहा है चिड़िया से, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू न समझ है, बहुत ही बोली बाली हो, तुम्हें बुद्धि नहीं, उतना बुद्धि शक्ति आप में नहीं है। तू सोना नहीं जानती, सोना क्या है, गोल्ड क्या है, वो भी नहीं जान, सोना वो कीमती चीज़ है, वो भी नहीं जानती तू। उसी की जगत को तृष्णा है, पूरी की पूरी जगत में रहने वाले, संसार में रहने वाले लोग किसके पीछे पड़े हुए हैं? इस सोने के पीछे, सोने को पाने की कामना इच्छा सभी के मन में, सिर्फ आपको छोड़कर। वो सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, सेठ बता रहा है मेरे पास बहुत सारे सोना है, तेरा घर समूचा सोने का होगा, अगर तू मेरे पास रहोगी तेरा घर भी मैं सोने का बनाऊंगा, ऐसा पिंजरा बनाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, मैं ऐसे पिंजरा खेज, पिंजरे का अर्थ खेज, पिंजरा बना के दे दूंगा कि इस दुनिया में कहीं पर भी उस तरह के पिंजरे न होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, मतलब तुझे तो देखते रह जाना चाहिए, ऐसा सुंदर सा एक पिंजरा बना के दे दूंगा, तो उसके भीतर तिरक फुदक कर मुझे खुश, तो उधर से उस पिंजरे में रहकर उड़ते गाते मुझे खुश करोगे, तेरा भाग्य खुल जाएगा, मतलब तेरे जो भाग्य जो है, अच्छे दिन जो है आएगा, तेरे पानी पीने की जो कटोरी भी सोने की, मतलब तेरे पास जो पानी पीने की जो कटोरी होते हैं वो भी मैं सोने के बना के दे दूंगा, तू इधर ही रहना। चिड़िया, वो सोना क्या चीज़ होती है? चिड़िया पूछ रही है सेठ से, सोना क्या चीज़ होती है? वो भी पता नहीं उस चिड़िया को। सेठ, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया हो जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है,
बस यह जान ले कि सेठ माधवदास उससे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ। उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोटियों पर कोटियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं। सेठ जी कह रहा है, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, तू इन सभी विचारों के बारे में तू नहीं जानती, तू तो चिड़िया है। ये तो मानव को मालूम है सोने कितनी कीमती वाली चीज़ है। सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है, मतलब सोना कितना मूल्यवान चीज़ है उसे जानने के लिए तुम्हें बहुत कुछ इस दुनिया में सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ, उसकी किस्मत खुल जाती है। मतलब तेरे साथ ये माधवदास बात कर रहा है, इससे तो यह जान लेना चाहिए कि मेरे किस्मत खुल जाएगी। तो अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोटियों पर कोटियां हैं, बगीचों पर बगीचे। मतलब उतना अमीर आदमी कौन है, माधव दास। पृष्ठ संख्या 71 को देख लेना, उसमें पहला जो पैराग्राफ है, दास दासियों की संख्या नहीं है पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है, ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है रे चिड़िया, तो इस बात को समझती क्यों नहीं। मतलब माधवदास कह रहा है, मेरे पास तो कोटियों कोटियों पर कोटियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, बहुत सारे दास दासियों दासियां हैं, मतलब बहुत सारे नौकर नौकरानियां हैं, पर मुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है, पर तुझसे, मतलब सिर्फ तूने ही मेरे चित्त मेरे मन को प्रसन्न किया है, खुश किया है, ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है री चिड़िया, तो इस बात को समझती क्यों। मतलब मैं इतना आपको बता रहा हूँ तो मेरे पास ही रहना, अगर तू समझती नहीं है चिड़िया। सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बात है। मतलब चिड़िया सेठ जी से कह रही है, मैं तो नादान हूँ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं तो नहीं समझ रही हूँ, मुझे देर हो रही है, मेरी माँ मेरी इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे जल्दी घर जाना है। इतना ही है किसके लिए, इस चिड़िया के लिए। सेठ कह रहा है, टहर टहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा, यह एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं, वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया तेने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है इस बहार के सामने, तेरी माँ क्या है, वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती। मैं तुझे सोने से मड़क कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा, तेने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा यही रहा। सेठ जी कह रहा है चिड़िया से, ठहर यहीं पर ठहरो, रुको, इस अपने पास के फूल को तूने देखना, मतलब तेरे पास रहने वाले एक फूल को देखा है तूने, कृष्ण माँ के ना, यह एक है, एक फूल है, ऐसे बहुत सारे फूल मेरे बगीचे में हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचे में, मतलब गिन नहीं सकते, उतने फूल बगीचे में, वे बांति बांति के रंग, अलग अलग तरह रंग के हैं, अलग अलग तरह के खुशबू देने वाले फूल हैं, तुम यहीं पर रहना चिड़िया, तेने मेरा चित्त प्रसन्न, तूने चिड़िया तूने मेरे इस मन को खुश किया है, तो यहीं पर रहना, वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। मतलब वो फूल खिला हुआ है, किसके लिए खिला हुआ है, सिर्फ तुम्हारे लिए। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, वहाँ घोंसले में कौन है, तेरी माँ है, पर माँ क्या है, माँ से ज्यादा चीजें आपको यहाँ मिलने वाली है, ऐसे हो सकती है क्या, एक बच्चे के लिए सब कुछ माँ ही है ना, कुछ भी दे दे वो माँ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहते बच्चे, ऐसे माँ भी बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहते।
इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है, इधर से पूछ रहा है। इस हरियाली, बहार का अर्थ है हरियाली, इस हरियाली के सामने, इस बगीचे के सामने तेरी माँ कुछ भी नहीं है, तो यहीं पर रहना। वहाँ तेरे गोश्ते में कुछ भी तो नहीं है, तेरे गोश्ते में कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर कोटियों पर कोटी है, बगीचों पर बगीचे है, दास दासियाँ हैं, तुम यहीं पर रहो ना। मगर चिड़िया तैयार नहीं है। तू अपने को नहीं, तेरा घर इतना छोटा है तो अपने सौंदर्य खुद नहीं देख पाओगे। तू यहीं पर रहना मेरे घर, बड़े घर में। कैसी सुंदर है तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह है। तो अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती, मतलब तुम घोंसले में क्यों रहना चाहती हो। तुम यहीं पर रहो ना, तुम्हारे शरीर में सुंदरता है। मैं तुझे सोने से मढ़क कर तेरे मूल्य को चमका, मैं अब भी सुंदर है उसको और सुंदर बनाऊंगा। कैसे, सोने से सजाकर, मैं तुझे सोने से सजाकर और भी चमका दूंगा। तूने मेरे चित्त को प्रसन्न किया, तूने मेरे मन को प्रसन्न किया है, खुश किया है। तू मत जाया करो इधर से, ऐसे कौन कह रहा है, माधव दास है ना, किससे, चिड़िया से। तब चिड़िया कहती है, से मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे देर हो रही है। सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊँगी। चिड़िया कह रहा है, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, मैं आपको नहीं जानती हूँ, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है, मैं इतना जानती हूँ, मैं आप कौन है, आपकी कोठरी, ये सब मैं नहीं जानती हूँ। आप अमीर है, सेठ है, ये कुछ भी मुझे मालूम, मैं सिर्फ यह जानती हूँ मेरी माँ, मुझे यहाँ देर हो रही है, मुझे यहाँ पर देर हो रही है। सेठ मुझे रात मत करो, मतलब आप रुकने के लिए कहोगे तो रात हो जाएगी, मैं रास्ता भूल जाऊँगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो, मतलब तुम जाती हो तो चले जाओ, तुम फिर से आना, कल फिर से यहाँ पर आना है, यह बगीचा ही तुम्हारा है, तुम बहुत ही सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया, उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट पाकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी, मतलब एक बटन दबा रहे, बटन दबाते आवाज़ आई कोठरी में और वहाँ से एक नौकर दौड़कर कहाँ पर आ गया, जहाँ पर यह जो सेठ जी बैठा है। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाहर देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। सेठ जी कह रहे हैं, अभी तुम्हारी माँ आपको इंतज़ार कर रही है ना, माँ रास्ता देख रही है ना, कोई परवाह नहीं, तुम चले जाओ, कल फिर से आपको यहाँ पर आना है, कल आना, परसों भी आना है, रोज इस बगीचे में आपको आना है। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और चिड़िया को पकड़ने का जतन में चला, मतलब यह कहते कहते रोज आओ, कल आओ, परसों आना, ऐसे कहते कहते वो जो दास या नौकर कोठी में से यहाँ तक आ गया था, उस दास को उन्होंने इशारा करके बता दिया, सूचना दे दिया कि उस चिड़िया को पकड़ने के लिए वो जो दास जो है, नौकर जो है, सेवक जो है, किसके पकड़ने के कोशिश में लगा लग गए, उस चिड़िया को पकड़ने की कोशिश में। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारी भाई बहन है, कितने भाई बहन है, ऐसे ऐसे बातें बातें करते करते वो इशारा कर रहा है दास को, अगर इस चिड़िया से बात भी कर रहा है, ऐसे वो किसे पकड़ना चाहता है, उस छोटी सी चिड़िया को। समझ में आ गए इतना, ठीक है, अगले क्लास में देखेंगे।